नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने जीआरपी पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश छात्र पुलिस योजना का किया शुभारंभ। तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की स्मारिका का किया विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन ने इस वर्ष ओला और अतिवृष्टि से प्रभावित किसान को उनकी कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कुछ प्रावधानों को शिथिल करते हुए आर्थिक मदद दिए जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस आशय की घोषणा की थी। इस निर्णय का फायदा प्रभावित किसान 30 जून 2015 तक कन्याओं के विवाह में ले सकेंगे। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की मदद मंजूर की है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में कलेक्टर भोपाल के माध्यम से भेजी जा रही है। मंत्रालय उद्यान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आज सामूहिक संगीतमय गायन हुआ। इस अवसर पर गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर मौजूद थे। प्रमुख सचिव गृह बीपी सिंह, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन अश्विनी राय और मंत्रालय में पदस्थ अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सहित सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के शासकीय सेवक भी राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन में शामिल हुए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में इवॉल्विंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ पर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान की स्मारिका का विमोचन भी किया। सेमिनार में आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश कृष्णन और क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स कंपनी में जनरल मैनेजर सुयश दीक्षित ने सेमिनार मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रदेश के श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। आर्य ने कहा कि उनके परिश्रम और सहयोग से ही प्रदेश देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शामिल हो सकता है। श्रम मंत्री आर्य ने अपने संदेश में कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में श्रमिक जगत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल श्रमिकों व उनके परिवार के कल्याण के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित कर रही है, बल्कि उनके बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश में 4 समुदाय स्कूलों की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।